मैं 2021 में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैं अनपेड इंटर्नशिप कर रहा था इंडिया से और अब्रॉड से करने में आपका 1 ईयर का डिफरेंस रहेगा, तो वो एग्जाम समहाउ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इजी हो जाएगा। हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, अलमनाई ऑफ ओरंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, करंटली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक्चुअली देखो, एफएमसी के लिए जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, एमबीबीएस अब्रॉड वाले, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है एफएमसी के एग्जाम्स। और एफएमसी एग्जाम के बाद की जो जर्नी होती है ना, क्या करना होता है, कैसा होता है एफएमसी एग्जाम पास करने के बाद, हमारे जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी होता है। कि अभी जस्ट 6 फरवरी को एफएमसी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और मेरे बहुत सारे जूनियर्स को ये क्वेरी था, भैया आगे क्या करना है सर, इसके बाद अभी क्या करना होता है। तो मैं एक शॉर्ट वेट अभी मैं आपको अपना खुद का एफएमजी की जो पासिंग सर्टिफिकेट है ना, वो दिखाने वाला हूँ। तो ये ऐसा दिखता है, एंड ये जो परमानेंट लाइसेंस है ना डीएमसी का आफ्टर इंटर्नशिप, वो ऐसा दिखेगा। और इससे पहले एक प्रोविजनल भी होता है, जो कि जब तक आपका इंटर्नशिप होता है ना, उस ड्यूरेशन में ही वो वैलिड होता है, और आपका आफ्टर इंटर्नशिप परमानेंट मिलने के बाद जो प्रोविजनल है वो इनवैलिड हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा उन बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा जो जिन्होंने अभी एफएमजी पास किया है। तो बेसिकली एफएमजी जैसे ही एग्ज़ाम देने के बाद आपके विद इन 10 to 15 days या विद इन 1 month के अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट में आप देख सकते हो आप पास हो या फेल हो। अगर आप पास हो तो फिर क्या होता है, जो 2 to 3 days के अंदर में या विद इन 1 week के अंदर में ऑनलाइन आप अपने पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद NMC जो है वो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, FMG की एग्ज़ाम या NEET PG की एग्ज़ाम या NEET DNB की एग्ज़ाम, तो NBE कंडक्ट करती है इंडिया में। तो NBE के रोल नंबर के हिसाब से या स्टेट के जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग वो डेट अलॉट करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनवाइट करते हैं NBE के ऑफिस में, जो कि दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 9 में है। वहाँ पे आप जाओगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, देन आपको FMG पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके लिए एक मेमोरी है, जो आपने FMG एग्ज़ाम टफ एग्ज़ाम आपने पास किया है। तो FMG पासिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको ये डिसाइड करना होता है जो आपको इंटर्नशिप कहाँ करना है। आइदर आप अपने होम स्टेट में कर सकते हो या किसी और स्टेट में कर सकते हो FMG की जो इंटर्नशिप है। तो इंटर्नशिप के लिए आपको प्रोविजनल लाइसेंस चाहिए होता है। उसके लिए प्रोविजनल लाइसेंस के लिए आपको अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल में अप्लाई करना होता है, और फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, फिर वहाँ पे जाके फिर एक डेट अलॉटमेंट होता है इंटरव्यू, मतलब उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है आपको। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो डिग्री है वो वेरीफाई होता है थ्रू एम्बेसी और यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको एक प्रोविजनल लाइसेंस इशू की जाती है। उसके बाद अभी तो देखो, पहले क्या होता था इंटर्नशिप के लिए अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इंटर्नशिप होती थी, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ता था इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे अगर इंटरव्यू की वैकेंसी आती तो आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाओ और फिर वहाँ पे सिलेक्ट होते थे तो इंटर्नशिप मिलता था। बट अभी NMC गाइडलाइंस चेंज हो गई है तो बहुत ईजी कर दिया गया है। पहले थोड़ा सा बहुत मुश्किल था और बहुत करप्शन भी था, क्योंकि होता क्या था, दिल्ली वगैरह में वैकेंसी बहुत ज़्यादा होते थे, बाकी स्टेट में पैसे देने पड़ते थे इंटर्नशिप करने के लिए, तमिलनाडु में, साउथ में, इवन MP में, राजस्थान में 2-2 lakh, 3-3 lakh। तो होता क्या था, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली आ जाते थे, क्योंकि दिल्ली में मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई चार्जेस था नहीं इंटर्नशिप के लिए। बट इस चक्कर में करप्शंस होते थे, आपको हॉस्पिटल वाले फिर वो करप्शन करते थे, जो सीट अलॉटमेंट करने के लिए सब चीज़ें होती थी, हमारे टाइम पे तो बहुत कॉमन था। बट अभी गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, ये कि बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। अभी कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना NMC के अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल में अप्लाई करेगा इंटर्नशिप के लिए। स्टेट मेडिकल काउंसिल आपके डोमिसाइल के बेसिस पे और नीट FMG के एग्जाम के जो आपके स्कोर है उसके बेसिस पे आपकी जो प्रेफरेंस हॉस्पिटल है उसमें आपको सीट अलॉटमेंट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली से डोमिसाइल है आपका, तो दिल्ली स्टेट मेडिकल काउंसिल में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपका इंटर्नशिप होने का है, तो आप फर्स्ट ये कंसिडर किया जाएगा आप दिल्ली डोमिसाइल हो या नहीं है, और आपके FMG में स्कोर कितना है। तो उसके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल कोई सफदरजंग चाहता है तो उसको टॉप स्कोर वाले को सफदरजंग मिलेगा, फिर उनके RML या उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली आप UP, बिहार, तमिलनाडु, किसी भी स्टेट में ऐसा ही होता। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, इजी है, ट्रांसपेरेंट है, करप्शन को खत्म कर दिया, और इंटर्नशिप करने के लिए जो पैसे देने पड़ते थे पहले स्टेट्स में, अब नहीं देने पड़ते। गुड न्यूज़ एक और चीज़ है, जो कि अभी जस्ट आज भी एक न्यूज़ आया है, जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 18,000 स्टाइपन फिक्स कर दिया। देखो, NMC ने कहा है जो अभी चाहे स्टूडेंट अब्रॉड से हो, नेशनल मेडिकल काउंसिल या इंडिया से है, उनको स्टाइपन इक्वली मिलेगा जितना वहाँ के लोकल जो इंडियन स्टूडेंट्स को मिलता है।
और पहले ऐसा नहीं था, पहले जैसे कि मैंने बताया आपको इंटर्नशिप के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, बट अभी ये सब चीज़ें खत्म हो गई है। इवन आप इक्वली, आप इंडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है उनके इक्वलिटी ही ट्रीट किए जाओगे और आपको स्टाइपेंड मिलेगा। बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी अभी स्टाइपेंड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत सारे जूनियर्स उत्तराखंड गए, उनको आराम से 22,000 स्टाइपेंड मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, और राजस्थान के अंदर बहुत सारे स्टेट में मिलते हैं, और बहुत सारे स्टेट में अभी तक नहीं मिल रहा है ना, वहाँ पे भी धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता ही गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना वो पास तो हो जाती है रूल्स, बट एग्जीक्यूट होने में, इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है। अब ये लॉजिकली 2021 के बाद इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, बट अभी 2024 है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी है, दो चार, जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया था, उनमें से महाराष्ट्र भी है, तो भी आज वो जो महाराष्ट्र के जो कैबिनेट है उन्होंने ये इंप्लीमेंट कर दिया है 18,000 का, एक एग्जाम्पल है, मैं महाराष्ट्र का दे रहा था अभी। तो अभी आपके लिए फायदा ये था, जैसे मैं 2021 में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैं अनपेड इंटर्नशिप कर रहा था, मैं दीनदयाल में था, तो इट वाज लाइक कि आप पूरे मेहनत कर रहे हो बट आपको कुछ नहीं मिल रहा, रिटर्न बैक कुछ नहीं मिल रहा। और स्पेसिफिकली आप उन स्टूडेंट को सोचो, मैं तो दिल्ली में रहता था, मेरा घर दिल्ली में, अब स्टेट कोई अदर स्टेट के स्टूडेंट है, उनको यहाँ पे रेंटल घर भी रहना पड़ता था, अपने खुद के अकोमोडेशन फूड एंड सब कुछ देखना पड़ता था, फिर इंटर्नशिप भी अनपेड था, तो बहुत स्ट्रगल था, ये सब चीज़ें थी। तो अब ये एडवांटेज हो गया स्टाइपेंड मिलने से। फिर 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी आपकी, इंटर्नशिप होने के बाद फिर आप जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है, या तो आप PSM के लिए जो पोस्टिंग होती है वहाँ से, या क्या बोलते हैं जो जिस हॉस्पिटल से आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ के जो सर्टिफिकेट है वो आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेके फिर आपको परमानेंट के लिए सेम स्टेट मेडिकल काउंसिल में आपको अप्लाई करना होगा, जहाँ से आपने प्रोविजनल के लिए अप्लाई किए थे किया है और जहाँ से आपने इंटर्नशिप करा है। फिर आपके जो परमानेंट लाइसेंस है वो 1 से 2 महीने में मिल जाता है, मतलब किसी किसी स्टेट में तो बहुत जल्दी मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में तो 1 मंथ के अंदर मिल जाता है, बट किसी किसी स्टेट में मोर देन 1 मंथ लगता है टाइम। उस वो भी डिले इस वजह से होता है क्योंकि आप वो सारे डॉक्यूमेंट डिग्री जो भी है वो वेरीफाई की जाती है एम्बेसी से के थ्रू, यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी की तरफ से कब रिस्पॉन्स आता है कब नहीं आता है इस पर डिपेंड करता है, बट मैक्स टू मैक्स 1 to 2 मंथ के अंदर में आपका परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। आफ्टर परमानेंट लाइसेंस स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद आप एलिजिबल हो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, अपने स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए। इवन आप अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन है वो चेंज कर सकते हो, किसी और स्टेट में भी शिफ्ट कर सकते हो, बट उसमें भी यही होता है, आपको अपने से पुरानी स्टेट मेडिकल काउंसिल जो लाइसेंस है उसको गिव अप करना पड़ता है और दूसरे स्टेट मेडिकल काउंसिल में अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसमें भी आपको हार्डली 1 मंथ का जो टाइम फ्रेम है वो लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा था जो इंटर्नशिप लंबे टाइम पे अपने स्टेट में नहीं मिलता, तो फिर दूसरे स्टेट में इंटर्नशिप करते थे, फिर देन आफ्टर इंटर्नशिप जो परमानेंट लाइसेंस मिलने के बाद अपने स्टेट में वापस जाते थे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता था। तो ओवरऑल तो अभी पहले से बहुत ईजी हो गया है, बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, FMG के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो लोगों का एक क्वेश्चन ये होता था जो 6 ईयर का MBBS है फिर 1 ईयर का इंटर्नशिप जो कि अनपेड होता है वो टोटली वेस्टेज है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट है, आपको इंटर्नशिप में पैसे मिल रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी पहले इंटर्नशिप के अलॉटमेंट्स के लिए हॉस्पिटल में सीट के लिए, तो वो भी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, क्योंकि बेसिकली जो इंडिया में एक मेन कंसर्न, एक मेन डर था वो ये था जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है FMG के एग्जाम की, में अब्रॉड से स्टूडेंट आते हैं उसके एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसके प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सिस्टम ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है। जैसे नेक्स्ट इंप्लीमेंट होने वाला है, नेक्स्ट में भी ये चीज़ें समहाउ समझो पहले से तो बेटर ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, या नॉर्मल किसी से भी पता करो। तो नेक्स्ट आने से FMG के लिए फ़ायदा है, क्यों फ़ायदा है, क्योंकि देखो पहले क्या था, FMG के एग्जाम के ट्रांसपेरेंट नहीं होते थे, क्वेश्चन पेपर नहीं पता चलता था उसमें क्या क्वेश्चन आया, क्या है, क्या स्कोर क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। बट नेक्स्ट आने के बाद ये जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको भी अभी ये एग्जाम देने पड़ेंगे, तो वो एग्जाम समहाउ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं पाएंगे जो ये स्टूडेंट इंडिया से है या अब्रॉड से है या कौन से स्टूडेंट है, IMG है या FMG है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो, तो FMG तो बहुत ईजी हो रहा है जो स्टूडेंट का। हाँ, बजट भी देख लो आप प्राइवेट कॉलेज के कंपेरिजन में, अब्रॉड की जो बजट है 1/3 है, और हाँ सब थोड़ा सा एक अभी भी एक ड्रॉबैक ये है जो ड्यूरेशन, जो टोटल ओवरऑल ड्यूरेशन जो है ना इंडिया से और अब्रॉड से करने में आपका 1 ईयर का डिफरेंस रहेगा, ये फैक्ट है। बट जो FMG की पासिंग परसेंटेज एज एग्जाम्स जो नेक्स्ट होने के बाद और इंटर्नशिप स्टाइपन ये सब जो ईजी कर दिया गया, इससे FMG के लिए जो जर्नी थी जो टफ था वो बहुत ईजी हो गया। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पिनअप कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई क्वेश्चन उस कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। सॉरी, मैं नया नया यूट्यूबर बना हूँ तो मुझे पता नहीं सब कुछ, मैं उधर रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।